हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। संसद परिसर में हुआ कुछ ऐसा कि आडवाणी के लिए भीड़ से बाहर आए राहुल और पकड़ लिया उनका हाथ। राजनीति में विरोधियों का एक साथ दिखना कोई नई बात नहीं है। कभी कोई अपनी ही पार्टी छोड़ धुर विरोधी पार्टी का हिस्सा बन जाता है तो कभी अपनी ही पार्टी में कोई बगावती बन जाता है, लेकिन अपनी ही पार्टी में रहते हुए पराये हो जाने के किस्से कभी कभी ही दिखने को मिलते हैं। ऐसा ही मंजर दिल्ली में संसद भवन के बाहर तब देखने में आया जब संसद पर हमले की 16वीं बरसी के मौके पर सभी पार्टियों के नेता श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जब यहां पहुंचे तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसे सामान्य करने के लिए खुद राहुल गांधी को आगे आना पड़ा। बुधवार को सद हमले में शहीद हुए बहादुरों की श्रद्धांजलि देने के क्रम में सबसे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आगे बढ़ी। उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जब पहुंचे तो उनके खड़े होने की जगह ही नहीं थी। ऐसे में वह किनारे जाकर खड़े हो गए। यह देखते ही सोनिया गांधी के पीछे खड़े राहुल गांधी एकदम से बाहर आए और आडवाणी को पकड़कर ले जाने लगे और उन्हें उचित स्थान दिखाया। हालांकि यह देखते ही भाजपा की काफी बाकी नेता भी सक्रिय हो गए और उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को जगह दिलाने के लिए कोशिश करते नजर आए। राहुल और लालकृष्ण आडवाणी के बीच इस तरह की नज़दीकी कोई नई बात नहीं है। संसद में भी कई बार दोनों एक दूसरे के नज़दीक बैठे बातें करते और ठहाके लगाते देखे जाते हैं। माइंड द न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माइंड द न्यूज़ को। थैंक यू।